कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर शहर में इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने की होड़ लगी हुई है। इसी क्रम में एक मामला उजागर किया है मनोज लासी ने। आइए जानते हैं पूरी खबर। स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे क्रीड़ांगन, जिसे हम VTC ग्राउंड भी कहते हैं, उसके लिए महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारा 1.5 साल पहले 10 करोड़ स्टेडियम, नया वहाँ स्टेडियम बनाने के लिए, क्रीड़ा संकुल बनाने के लिए पैसों का आवंटन हुआ। टेंडर प्रक्रिया में समय लगा, कोरोना काल हुआ, बात रुक गई, पर अब फिर से वो 10 करोड़ का टेंडर महानगर पालिका ने 20 करोड़ का टेंडर 10 करोड़ पे अगले साल के 19-20 के, और 10 करोड़ की जो नई डिमांड महाराष्ट्र शासन ने की है, या महानगर पालिका का अपना 10 करोड़ का हिस्सा, 10 करोड़ राज्य शासन का, 10 करोड़ महानगर पालिका, ऐसा 20 करोड़ का टेंडर निकाला है। जिस टेंडर में जो एक कॉन्ट्रैक्टर आया है, एक ही कॉन्ट्रैक्टर को पात्र किया है, टेक्निकली बिठाकर उसको कहीं ना कहीं ई टेंडर का दुरुपयोग किया गया है, ई टेंडर का फायदा लिया गया है, और वो कॉन्ट्रैक्टर ने 11% अबो यानी 20 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ ज़्यादा राज्य शासन का फंड है, उसमें 11% अबो टेंडर बढ़ा है। जहाँ पे एक तरफ कोरोना के चलते हुए टैक्स की रिकवरी नहीं हो रही है, पैसे नहीं आ रहे महानगर पालिका में, राज्य शासन द्वारा समय पर ग्रांट नहीं आ रही है, इसका हवाला देकर बहुत ही जो अति आवश्यक काम है शहर में, जैसे शौचालय है, रास्ते दुरुस्तीकरण है, या जो मूलभूत पानी की जैसी सुविधा है, या स्ट्रीट लाइट है, तो वो डिपार्टमेंट से हमेशा ये सुनाई देता है कि फंड नहीं है कोरोना के कारण, टैक्सेस नहीं आ रही है, ये काम अभी नहीं होंगे, बाद में 2 महीने बाद 3 महीने बाद, ऐसा पूरा हमारा 1.25 साल 1.5 साल निकल गया। यहाँ तक कि नगर सेवक निधि, ऐसे बहुत सारे शहर में अभी भी हमारे नगर सेवक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उनकी नगर सेवक निधियों को रोका गया है टेक्निकल बाप दिखाकर, टेक्निकल त्रुटियाँ दिखाकर कि इसमें ये इच्छे इसमें वो इच्छे, पर कहीं ना कहीं निधियाँ नहीं है, उसके लिए उसको लैंग ऑन किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, मतलब नगर सेवक निधियाँ नहीं मिल रही है, शौचालय दुरुस्तीकरण नहीं हो रहे हैं, पानी की किल्लत है, लीकेजेस हम बंद नहीं करा पा रहे हैं, छोटी छोटी गलियाँ हम नहीं बन रही है, हमारे गार्डनों की सत्यानाश पड़ी हुई पड़ी है, बहुत सारे बाउंड्री वॉल टूटे पड़े हैं, नालों की दुरुस्तीकरण बाकी है, उन चीज़ों सबको छोड़कर 10 करोड़ रुपया बढ़ाकर और उसके ऊपर 11% अबो यानी 12 करोड़ रुपया बढ़ाकर ठेकेदार को फायदा देने के लिए सीधी तरह से बड़ा नए तरीके का और आज के ज़माने का भ्रष्टाचार उल्लासनगर महानगर पालिका में शुरू हुआ है, जिसकी शिकायत हम सभी नगर सेवकों ने हमारे आमदार श्री कुमार रानी जी से की। कुमार रानी जी ने बगैर वक्त गवाए महानगर पालिका आयुक्त को और नगर विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव को पत्र दिया है कि उल्लासनगर में इस तरह का बड़ा और नए तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, ई टेंडर के माध्यम से किस तरह से ठेकेदार को फायदा दिलाने की कोशिश की जा रही है, और उसमें शासन महानगर पालिका का शासन है वो पूरी तरह से बंधा हुआ है, और इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए, और ये जो 11% अबो का टेंडर ठेकेदार ने भरा है उसे तुरंत रद्द करना चाहिए और नया कॉल करना चाहिए और नए रेट के हिसाब से कॉल करना चाहिए। ऐसी एक शिकायत, ऐसी एक विनती, ऐसी एक मांग आमदार श्री कुमार नरेंद्र जी ने आयुक्त से और प्रधान सचिव मंत्रालय में उनसे की है। आगे देखेंगे हम इस पर आयुक्त क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि आयुक्त को इस पर निर्णय लेना है, क्योंकि आयुक्त के नाक के नीचे ये सब कार्य हो रहा है। आयुक्त जो हमारे हैं डॉक्टर राजा दयानिधि, वो पूरी तरह से हर इस तरह के भ्रष्टाचार को लगाम लगाने में सक्षम है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो हम उनके कान तक लाते हैं, उन्होंने उस चीज़ के ऊपर लगाम भी लगाई है, पर ये नए तरीके का भ्रष्टाचार जो उनके नाक के नीचे हो रहा है, देखना होगा इसके ऊपर आयुक्त अपना क्या रुख लेते हैं, या ऊपर से इस चीज़ की क्या इंक्वायरी आती है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।